आज 28 सितंबर बापा का आखिरी दिन, विसर्जन का दिन। इस बार अनंत चतुर्दशी एक दिन जल्दी आ गई, इसलिए बापा 10वें दिन में ही विसर्जन हो रहे हैं। नहीं तो आज रहते, कल 29 को विसर्जन होने वाले थे और ईद भी आज। और अभी 1:15 हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फिर से एक और बार हम चले लालबाग की ओर। आपने वीडियो देखा, लालबाग के राजा निकल चुके हैं। मेरे को लालबाग के राजा का वो जो मेन एंट्रेंस रहता है उसके बाहर निकलते हैं, तब वो उन लोग फ्लावर्स का और जो शावरिंग करते हैं वो मेन रिकॉर्ड करना था, लेकिन 1.5-2 घंटा मुझे पहुंचने में ही लगेगा अभी। और क्राउड भी बहुत नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, देखते हैं हम लोग कितना शूट कर पाते, कैसे शूट कर पाते। चलते हैं लोअर परेल और देखते हैं कितने गणपति कवर करते हैं। और ये ब्लॉग भी बड़ा हो सकता है या फिर मैं अभी ये बस जो विसर्जन है वो ब्रिज के नीचे जो है लोअर परेल के उधर का रिकॉर्ड करूंगा, फिर घर पे आ जाऊंगा वापस शायद शाम तक। और मैं भी रात को मैं वापस निकलू कल गिरगांव चौपाटी के लिए, कल सुबह जब लालबाग विसर्जन होते उधर पूरा एक दिन घुमाते मुंबई का और अगले दिन वो विसर्जन होते सबसे लास्ट में। तो देखते, मैं आज तक विसर्जन में गया नहीं तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें कवर कर पा रहा हूँ। जितना मेरे हो सक रहा है मैंने सब आपको बताया है, और जो चीज नहीं कवर कर पाया वो नेक्स्ट ईयर जरूर करूंगा। टी शर्ट भी मैंने कॉलेज का डाल दिया है ताकि अगर उधर गुलाल और उड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेढ़ तो इधर ही मैं बच चुका है, अभी मैं फाइनल से चर्चगेट पास पकड़ा हूँ। नाला सोपा से एक में छोड़ा, मैं सोचा नेक्स्ट में भीड़ नहीं होगी बैठने मिलेगा, लेकिन भीड़ थी। तो अभी इधर से चर्चगेट पास बना है तो ये 2:30 बजे तक समथिंग दादर उतरेंगे, दादर से फिर लोअर परेल, उधर से 15-20 मिनट पैदल। उधर इतना क्राउड रहेगा, मैं कैसे ब्रिज के नीचे तक कैसे क्या पहुंचूंगा वो सब देखना। दोपहर शाम मेरी उधरी हो जाएगी तो मैं वापस इधर नाला सुपर आऊँ 2 घंटा, फिर वापस जाऊंगा रात को कल के लिए। तो कुछ मतलब रहेगा नहीं तो देखूंगा, या तो पूरा रात उधरी रहेंगे, देख जो भी रहेगा आपको बताएंगे। एक तो गर्म भी इतना है ना, थोड़े थोड़े देर में जो पसीना हो रहा है। अभी 2:30 बजे है, मैं लोअर परेल उतर चुका हूँ, अभी सीधा जा रहा हूँ ब्रिज के नीचे। और अभी आते ही इधर थोड़ा बारिश स्टार्ट हो गया था, लेकिन अच्छा हुआ मैच वेट नहीं किया था, छाता भी नहीं लाया था और बंद हो गया, सिर्फ 1 मिनट का बारिश था। तो अब फटाफट से चलते, एक तो वेस्टर्न लाइन के स्टार्ट से एंड तक आना, और वो भी मैं अकेला आया हूँ विसर्जन में। और इस बार का क्राउड अनएक्सपेक्टेड है भाई, अनएक्सपेक्टेड दर्शन के लिए भी और विसर्जन के लिए तो और ही होगा। बहुत लोग गुलाल में रंग के आ रहे हैं, सब लालबाग के यहाँ से ही आ रहे हैं। और मैं हो चुका हूँ लेट, 2:30 बज चुका है, देखते कहाँ मिलते हमको लालबाग के राजा। और इस बार मैं 3rd टाइम आ रहा हूँ, पहली बार मैं लाइफ में इतना बार बार लालबाग के इधर आ रहा हूँ। ये देखो ये सब लोग वहाँ से ही आ रहे हैं। सबसे मेन मुझे अपने सामान का ध्यान रखना है बहुत, इधर से ही मुझे गर्दी दिख रही है। मुंबई का गणेश उत्सव विसर्जन आगमन, आप लोग घर पे बैठ के लाइव देखने में कुछ मजा नहीं है, इधर आके देखो एक अलग ही मजा आएगा आपको। क्या ढोल और की आवाजें गूंज रही है बेंचों की, इतना मस्त इधर तक आ रही है, इतनी तेज। सबसे पहले गणेश गली के पंडाल से निकले हैं लालबाग, और अभी शायद चिंतामणि भी निकले हैं। अच्छा है लालबाग के राजा इधर ही है, सामने ही आ रहे हैं। क्राउड देखो आप लोग, जहाँ तक आपकी नजर नहीं जाएगी उतने दूर तक क्राउड भरा पड़ा है।
साइड थे लालबाग के राजा मंडप से अपने निकले, पूरा ऐसा घुमा के इस साइड से वापस ऐसा पूरा, वो देखो उधर है पूरा, ऐसा सीधा निकल जाएगा। पीछे मूर्ति पता है छोटा सा, उसका छोटा टायर मेरे उंगली पे चढ़ गया पूरा, मतलब पैर पे ही चढ़ गया था, ये उंगली पे मालूम पड़ा, पूरा खून खून हो गया था, पता नहीं क्या हो गया ये उंगली को। हाँ थोड़ा सा दबा रहा हूँ तो दुख रहा है, पूरा खून निकल रहा है, अभी तो थोड़ा साफ किया हूँ मैं, चलने नहीं हो रहा सही से। आई होप कुछ हुआ ना हो, मुझे नहीं लगता इतना कुछ हुआ है, बस नाखून टूटा होगा आई गेस। तो बारिश आ रही है, निकलते हैं अभी हम और देखते हैं अगर कुछ मिले दर्शन करने, नहीं तो निकल लेते क्योंकि फोन का भी रिस्क नहीं लेना है। चप्पल उतार के मैं सोचा, मैं दो बार गया, एकदम पास में आया वो उनके लालबाग के बाजू में और फिर धक्का दे दिया पीछे सब लोग ने, तो पैर छूने इस टाइम नहीं मिला। पिछली बार मैं सोचा चप्पल उतार के जाऊँ, जैसे चप्पल उतारा ये हो गया, जो होना था हो गया। देखते हैं अब चलते हैं, फोन भी पूरा भीग रहा है अंदर अंदर, लेकिन उनका फूल सावरिंग पूरा मुंह में और आया वो बहुत अच्छा लगा। अभी भी मैं सोचा ट्राई करूँ जाके दर्शन लेने चरण पर, लेकिन इसके बाद मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और कुछ चोट ना लगे उस पर गहरा स्तर था, बोला रहने देता हूँ। जहाँ सब पंडाल है उस साइड तो एक अलग ही क्राउड है, इधर ऊपर भी मैं चढ़ा लेकिन जगह है ही नहीं, सब आगे कवर करके रखा है, अगर एक भी पाव फिसला या गिर गए और ऊपर से वायर है कुछ झिल्ले शॉक लग गया तो चाचा नीचे उतर गया। मैं सुन ले तेरे बिन तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा। ये कुछ अलग देखने को मिला, गौ माता हमारी खिचड़ी है गणपति बापा को, अमेजिंग। ये हार लालबाग के राजा के लिए ऐसे बांधते हैं, पूरा ऊपर से रस्सी पुल के ऊपर से और एक इधर से ऐसा पूरा खींचेंगे तब ऊपर जाता है। कैमरा देखो आप भाई, DSLR इधर कैमरा और बापा इतना दूर, फोटो आएगा एकदम क्लियर, लेंस ही कितना बड़ा है। जो रोड पे इतने सारे चप्पल है ना, इसमें ही मेरे नए सैंडल हो गए जो दर्शन के टाइम घूम गए थे। तो कहाँ कहाँ चढ़ते बैठे दर्शन के लिए, सिर्फ लालबाग एक झलक देखने के लिए। हरी भीड़ में ये अंकल का पर्स चोरी कर रहा था एक, उनको अच्छा हुआ मालूम पड़ गया और उसको मारा और पर्स ले लिया, वो जो जा रहा है ये ऑरेंज में। ये चिंता होने के लिए हार इधर,
तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना। गणपति बप्पा और या मैया मुर्शी लौट के तुझको आना है, सुन ले कह। हमने चिंतामणि और लालबाग तो देख लिया है, अब गणेश गली के गणपति सुबह ही निकल गए तो बहुत आगे चले गए, वही ढूंढ रहे हम लोग, और थोड़ा चले गए देखते अगर मिले तो, नहीं तो चले जाएंगे। दीवाना सब बस एक ही गणपति के लिए रुके, लालबाग के राजा के झलक देखने के लिए। जब तेरा दर्शन पाएंगे जैन तब हमको पाना है।